पलामू जिला मुख्यालय से पाकी बालू मात होते हुए चंदवा तक जाने वाले व्यवसायिक पथ जितना डरावना था उतना ही अब सुरक्षित पहचान बन गई है। तभी तो बकरी लदा पिकअप वैन से 10 जनवरी को हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले अंतर जिला गिरोह को पाकी पुलिस ने धर दबोचा है। सड़क लुटेरों से सुरक्षित करने के बाद लोहरदगा रांची से जुड़े 6 लुटेरों के गिरोह ने अपने मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में थे, पर पलामू पुलिस ने समय से पहले ही पाकी बालूमात पथ पर स्थित सोरठ जंगल से लूट का प्लान बनाते 6 में से 5 मौजूद सभी लुटेरों को रंगे हाथ दबोच लिया। गिरोह लीडर क्यू मंसारी समेत अब्दुल गफ्फार, फारूक अंसारी, सज्जाद अंसारी, अर्जुन उराव को 3 पिस्तौल, 11 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल, 1 लूटा हुआ पर्स समेत 5560 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस कप्तान की माने तो पलामू जिला के सभी घाटी स्थित मुख्य मार्गों को सुरक्षित कर लिया गया है, जिसके लिए अगल बगल निवास करने वाले ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें विश्वास में लिया जा रहा है, वहीं उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं पलामू पुलिस कप्तान इंद्रजीत महता की माने तो लुटेरों को फन उठाने से पहले ही कुचल दिया जाएगा। साल के बीच में दिनांक 10 जनवरी को एक गाड़ी के साथ लूटपाट किया गया था, जिसमें 6 अपराधकर्मी थे और यह एक तरह से रोड डकैती की घटना थी। उस 6 अपराधकर्मियों में से 5 को कल अरेस्ट कर लिया गया है। इनका नाम मोहम्मद अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद फारूक अंसारी, अर्जुन उराव, सज्जाद अंसारी, क्यू अंसारी है। इसमें से जो अपराधकर्मी हैं वो रांची जिला, लोहरदगा जिला और बालूमात जिला के साथ साथ पलामू के भी रहने वाले हैं। तो कुल मिला के यह एक रोड डकैती का इंटर डिस्ट्रिक्ट जो गैंग है उसको ध्वस्त कर लिया गया। इनके पास से 3 हथियार बरामद हुए हैं, एक बोलेरो गाड़ी को जब्त किया गया है, एक मोबाइल और जो है एम्युनेशंस भी बरामद हुए हैं। जो लूटे गए जो 5560 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है। तो कुल मिला के जो है पाकी क्षेत्र में जो है इस घटना को, रोड डकैती की घटना को, क्योंकि वो रोड थोड़ा सा आजकल ज़्यादा भीड़भाड़ वाला हो गया है, उस पर आवागमन तीव्र हुआ है और बढ़ा है, तो कुल मिला के ये पुलिस के लिए, पलामू पुलिस के लिए एक बेहतरीन सफलता है। पाकी से बालूमात जाने वाली रास्ते पे हमारा पाकी में जो है वहाँ पर ताल घाटी में पिकेट है। निश्चित रूप से कारीमाटी में कई बार, एक दो बार घटनाएं हुई हैं जिससे उस क्षेत्र में हम लोग को और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने जो घाटियों के अगल बगल के गांव हैं उनके साथ भी हम लोगों ने बैठक वगैरह करके जो है उनको भी जो है अपनी सुरक्षा स्कीम में लाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जो भी वहां पर ट्रांसफार्मर हैं उससे जो है घाटी में लाइटिंग की व्यवस्था करके, विद्युत की व्यवस्था करके, बिजली की व्यवस्था करके रात में सुनसान जगहों को हम लोगों ने रोशनी करने का और वहाँ पर ताकि उस घटनाओं को रोकने का भी प्रयास किया है। तो पुलिस की कार्रवाई के अलावा अन्य पहल भी की जा रही है, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा पाकी पुलिस लगातार रात में कई बार जो है वहाँ पर जाके एम्बुस भी लगाती रही है। तो कुल मिला के हम लोग जो है लोगों से ये आश्वस्त करते हैं कि आप निश्चिंत होकर वहाँ से गुजर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा की समस्या नहीं है।